हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बढ़िया होगे। तो आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होगे और स्टोरी भी डालते ही होगे। तो क्या आप लोगों का स्टोरी इस टाइप से बोरिंग होता है जो नॉर्मल सी फोटो का क्रिएट किया हुआ होता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसको एडिट करके कुछ इस टाइप से करने वाले हैं। इससे आप लोगों को दो फायदे होंगे। पहला तो आप लोगों का स्टोरी बहुत इंगेजिंग लगेगा और आप लोगों का स्टोरी व्यूज भी इंक्रीज होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा वो फिल्टर है, कौन सा वो मेथड है जिससे हम लोग अपना जो स्टोरी का व्यूज है उसको गेन कर सकते हैं और अपनी स्टोरी को इंगेजिंग बना सकते हैं? तो इसके लिए इंस्टाग्राम ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद आप लोग को स्टेप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग को ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्टोरी का। आप लोग को इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद आप लोग को एक फोटो सेलेक्ट करना है जिसको आप लोग स्टोरी में ऐड करना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आप लोग को टॉप 5 फिल्टर बताऊंगा जिससे आप लोग अपनी स्टोरी की व्यूज को गेन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी फोटो ऐड कर लेना। स्टेप से ऐड हो जाएगा। देन यहाँ से ऊपर में एक फिल्टर का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। आप लोग को इस पर टैप करना है और मैं 2-3 नॉर्मल जो होता है उस टाइप का फिल्टर बताऊंगा और 2-3 आप लोगों को एकदम अलग ही टॉपिक का बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी के टाइम पर और ऐसा लगेगा कि उसको इंस्टाग्राम से नहीं किया गया है, वो अलग ही एडिटिंग ऐप से उसको एडिट करके यहाँ पर इम्पोर्ट किया गया है इस टाइप से। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सिंपल सा, इधर से ये वाला फिल्टर है हम लोग का, नाम देख सकते हो और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस टाइप से थोड़ा सा आप लोग का फ़ोटो ग्लिच होता रहता है। यहाँ से आप लोगों को उसका नाम बता देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो और उसको यहाँ से इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो। सर्च कैसे करना है उसको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब एक और फिल्टर बता देता हूँ, यहाँ से ये वाला है म्यूजिक फ्रेम। इससे आप लोग का जो फ़ोटो है ऐसा लगेगा कि आपके फ़ोटो से ऑडियो क्रिएट हुआ है और इससे आप लोग कोई सा भी सॉन्ग ऐड करते हो इस वाली स्टोरी में तो वो यहाँ से नीचे जो वेव हो रहा है यहाँ पर वो एकदम रियल लगेगा, मतलब उसके साथ मैच करेगा। काफ़ी इंगेजिंग आप लोगों का स्टोरी लगने वाला है। और उसके बाद एक और फिल्टर बताता हूँ, यहाँ से ये वाली फिल्टर है हम लोगों का, देख सकते हो काफ़ी अच्छा हम लोग का लग रहा है ये भी। और इसका नाम बता देता हूँ, ये वाला मूड नाम है इसका। आप लोग इसको भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी इंगेजिंग हम लोग का फिल्टर है। और यहाँ से इस वाले फिल्टर का आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ से इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। म्यूजिक फ्रेम इसका नाम है, आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को ये इजीली मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको डाउन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से डन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक दूसरा फ़ोटो लेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला फिल्टर यूज करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग स्टोरी होने वाला है वो। ये तो नॉर्मल सा फ़ोटो था और हम लोग उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का एडिट करेंगे। एडिट किया है ऐसा आप लोगों को लगेगा, देख सकते हो। यहाँ से हम लोग इसको बैक करते हैं, उसके बाद डिस्कार्ड करके एक और फ़ोटो लेना है। लाइक मैं ले लेता हूँ ये वाला, मेरे पास ये वाला फ़ोटो है। उसके बाद हम लोग इसको जूम करेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे में इस टाइप से थोड़ा सा मार्जिन छूटा हुआ है। इसको यहाँ से 2 फिंगर से जूम कर लेंगे। ओके, इसके बाद जो प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ से ये वाला हम लोग ऑप्शन में जाएंगे स्टिकर का, हम लोग इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ स्टेप से आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों को कटआउट फाइंड करना है, तो कटआउट ये वाला है यहाँ पर, देख सकते हो कटआउट। हम लोगों को इस पर टैप करना है। उसके बाद फिर से यही फ़ोटो को सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ये वाला। उसके बाद थोड़ा सा स्टेप से लोड लेगा, देन आप लोगों का जो फ़ोटो है उसमें से जो बैकग्राउंड है रिमूव हो जाएगा, देख सकते हो इस टाइप से। उसके बाद यहाँ से नीचे यूज फिल्टर दिख रहा है, आप लोगों को इस पर टैप करना है। उसके बाद इस टाइप से हम लोग का जो फोटो है आ जाएगा, देख सकते हो ये। इसको आप लोगों को परफेक्ट जूम करना है और जो पीछे में ऑब्जेक्ट है उसके इक्वल में हम लोग को लाना है। तो इस टाइप से आप लोग जूम कर लेना, थोड़ा सा इधर उधर होगा, आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ओके, एडजस्ट हो गया है हम लोग का, देख सकते हो। अब हम लोग जो फिल्टर यूज करेंगे आप लोगों को ध्यान से देखना है, काफ़ी मस्त फिल्टर है और आप लोगों को इसका नाम भी थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ओके, तो यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये वाला है बू नाम है इसका, देख सकते हो काफ़ी इंगेजिंग हम लोग का फिल्टर लगता है, देख सकते हो एकदम रियल लग रहा है। और इसका फिल्टर का आप लोग को डिफिनेशन बता देता हूँ, ये बू नाम है इसका। और यहाँ से ये जिसने भी ये डाला है उसका नाम भी शो करता है यहाँ पर, आप लोग इसको भी फाइंड करके सर्च कर सकते हो। ओके, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला। और उसके बाद ये वाला फिल्टर है,
फिल्म बनना ये आप लोगों को बहुत इजी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका डिफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से इस पर टाइप करेंगे फिर देख सकते हो। और इसका भी जहाँ पर सॉरी जिसने भी दिया है मतलब जिसने बनाकर अपलोड किया है वो यहाँ पर शो करते हैं, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। नाम सर्च कर लेना, फिल्म बर्न नाम है इसका। उसके बाद यहाँ से एक और फिल्टर बताता हूँ, यहाँ से ये वाली फिल्टर है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो। ये थोड़ा सा अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये वाला, अगर आप लोग अपनी स्टोरी में यूज करते हो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आने का चांस रहता है। तो ये था हम लोग का 5 से 6 फिल्टर, एक बोनस समझ लो, 6 फिल्टर मैंने बता दिया आप लोगों को, एक बोनस के लाइक समझ सकते हो। और यहाँ से इसका भी नाम देख सकते हो, अल्ट्रा ऑरेंज, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा जो मैंने फ़िल्टर बताया आप लोगों को इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से डन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं। और मैंने बोला था कि स्टोरी का फिल्टर है उसको कैसे सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ से बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग को रील वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से इस पर टैप करेंगे। उसके बाद ऊपर यहाँ पर कैमरा का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप लोगों को टैप करना है। उसके बाद यहाँ से फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, देख सकते हो यहाँ पर फ़िल्टर दिख रहा है, इस पर यहाँ पर टैप करेंगे। उसके बाद आप लोग ट्रेंडिंग फ़िल्टर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो ट्रेंडिंग में जो चल रहा होता है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ से कुछ और ऑप्शन है, रील्स का है और ये वाला है, तो आप लोग दोनों में से किसी को भी देख सकते हो। और यहाँ पर जो सेव्ड करके रखे होगे वो यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हो मैंने ये वाला बताया है और ये वाला बताया है और ये वाला, ये तीनों नॉर्मल हम लोग स्टोरी फिल्टर है, और ये और ये तीनों हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा इंगेजिंग और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला फिल्टर है। ये हो गया हम लोग का 6 फिल्टर। और सर्च कैसे करना है, सर्च बार यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर जो भी फिल्टर आप लोग को सर्च करना है जैसे कर सकते हो। मैं यहाँ से बता देता हूँ, 4K ये वाला जो फ़िल्टर हो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, देख सकते हो 4K सेलेक्ट करोगे जितना भी 4K नाम से होगा आप लोगों को शो करने लगेगा, आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे जैसे हम लोगों को ये वाला चाहिए इसको सर्च करेंगे और यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप लोग इस पर टैप करोगे फिर आप लोग का फ़िल्टर सेव हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होगे कि अपना बोरिंग सा स्टोरी को इंगेजिंग कैसे बनाते हैं, और इससे आप लोगों को फ़ायदा भी होने वाला है, आपका स्टोरी व्यूज़ भी बढ़ेगा। और फ़िल्टर कैसे सर्च करते हैं, कहाँ से फाइंड करते हैं उसको भी मैंने बता दिया। तो वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।